Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine. So today we are going to start from question number 17. In the last video we completed till question number 16, match the following, and in this video we are going to start from question number 17. So let's begin. Question number 17, the Eiffel Tower of Paris is 330 meter high. क्या बोला है हमें कि आइफ़ल टावर जो कि पेरिस में है उसकी हाइट कितनी है 330 meters. द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ न्यूयॉर्क इज़ ऑफ 320 meters. अब हमें बोला है कि जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है न्यूयॉर्क की वो कितने मीटर्स टॉल है 320 meters. ठीक है, आइफ़ल टावर कितना टॉल है 330 meters और टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ न्यूयॉर्क कितनी टॉल है 320 meters. देन हाउ मच टॉल इज़ द आइफ़ल टावर देन दैट बिल्डिंग. अब देखो दोनों में से कौन सा ज़्यादा टॉल है. ठीक है, टॉलेस्ट कौन सा है दोनों में से, आइफ़ल टावर ज़्यादा टॉल है. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो आइफ़ल टावर ज़्यादा टॉल है वो कितना ज़्यादा टॉल है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, एक तो आइफ़ल टावर और जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे. तो जो वो डिफरेंस होगा उससे हमें पता चलेगा कि आइफ़ल टावर कितना ज़्यादा टॉल है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आइफ़ल टावर. ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइफ़ल टावर 330 meters. ठीक है, 330 meters हमने लिख दिया. देन लेंथ ऑफ टॉलेस्ट बिल्डिंग, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ न्यूयॉर्क 320 meters. सो 320 meters. अब हम फाइंड आउट कर देंगे डिफरेंस. सो 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 2 1, एंड 3 माइनस 3 इज़ ऑल्सो 0. ठीक है, आप यहाँ 0 नहीं लिखोगे तो भी इट इज़ करेक्ट. सो डिफरेंस कितना आ रहा है 10 meters. इट मीन्स आइफ़ल टावर इज़ 10 meter टॉलर देन दैट बिल्डिंग. ठीक है, आइफ़ल टावर जो है वो 10 meters ज़्यादा टॉल है टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ न्यूयॉर्क. ठीक है, नाउ नंबर 18, सी सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. अब हमें क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं. ठीक है, उन्हें हमें सॉल्व करना है. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नंबर 1. In the long jump for boys, Manu had the longest jump of 3 meter 60 centimeter. ठीक है, क्या हो रहा था, boys का long jump हो रहा था. ठीक है, तो उस jump में Manu ने सबसे longest jump किया, कितना 3 meter 60 centimeter. ठीक है, Manu ने सबसे longest jump किया, कितना 3 meter 60 centimeter. Sonu came second. Second कौन आया, Sonu. First कौन था, Manu. Second था Sonu. He jumped 17 सेंटीमीटर लेस देन मनु. ठीक है, उसके लॉन्ग जंप का लेंथ क्या था, मनु के जो लॉन्ग जंप है उससे 17 सेंटीमीटर कम. ठीक है, यानी कि मनु ने 3 meter 16 centimeters किया, माइनस 7 सेंटीमीटर किसने किया, सोनू ने किया. देन गोलू केम थर्ड. ठीक है, थर्ड कौन आया, गोलू. ही जम्प्ड 3 meter 31 centimeter. गोलू ने कितना लॉन्ग जंप किया, 3 meter 31 centimeter लॉन्ग जंप किया, एंड ही केम थर्ड. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप ऑफ सोनू एंड गोलू. ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि सोनू के लॉन्ग जंप और गोलू के लॉन्ग जंप में कितना डिफरेंस है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सोनू ने कितना लॉन्ग जंप किया. ठीक है, हमें जो यहाँ पे दिया है 17 सेंटीमीटर लेस, वो हमें ये बताया है कि मनु के कंपैरिजन में 17 सेंटीमीटर लेस है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है वो हमें नहीं पता. तो पहले हम एग्जैक्ट लेंथ फाइंड आउट करेंगे. सो लेंथ ऑफ सोनूज जंप. ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ सोनूज जंप. सो सोनू जंप्ड 17 सेंटीमीटर लेस देन मनु. ठीक है, सोनू ने कितना जंप किया, 17 सेंटीमीटर लेस देन मनुस जंप. ठीक है, मनु ने कितना जंप किया, 3 meter 60 centimeter. सो 3 meter 60 centimeter माइनस 17 सेंटीमीटर. क्या कर देंगे हम, 17 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो हमें देखो क्या लेंथ मिली, 3 meters 43 centimeter. यानी सोनू ने कितना जंप किया, 3 meters 43 centimeter लॉन्ग जंप किया. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप ऑफ सोनू एंड गोलू. अब सोनू और गोलू के लॉन्ग जंप का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो लेंथ ऑफ सोनूज जंप. ठीक है, सोनू ने कितना जंप किया, 3 meters 43 centimeter. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 meters 43 centimeters. ठीक है, फिर लेंथ ऑफ गोलूज जंप. गोलू ने कितना जंप किया, 3 meter 31 centimeters. ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 meters 31 centimeters. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस. डिफरेंस यानी कि माइनस. ठीक है, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, 3 minus 1 2, 4 minus 3 1, एंड 3 minus 3 0. ठीक है, तो कितना डिफरेंस आया,
12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप ऑफ सोनू एंड गोलू इज 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं. देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप्स ऑफ सोनू एंड गोलू इज 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ये हमने लिख दिया फर्स्ट का आंसर. नाउ नंबर टू. सी व्हाट इज नंबर टू. इन द हाई जंप फॉर बॉयज हिरेन जंप्ड 1 मीटर 20 सेंटीमीटर. ठीक है, बॉयज़ का हाई जंप हो रहा था जिसमें हिरेन ने कितना जंप किया, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई जंप किया. सुरेश जंप्ड 5 सेंटीमीटर लेस देन हेम. ठीक है, सुरेश ने कितना जंप किया, हिरेन से 5 सेंटीमीटर लेस जंप किया. एंड महेश जंप्ड 1 मीटर 9 सेंटीमीटर. और महेश ने कितना जंप किया, 1 मीटर 9 सेंटीमीटर. ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं. हिरेन ने कितना जंप किया, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर. सुरेश ने कितना जंप किया, 5 सेंटीमीटर लेस देन हिरेन, हिरेन से 5 सेंटीमीटर लेस जंप किया. और महेश ने कितना जंप किया, 1 मीटर 9 सेंटीमीटर्स जंप किया. देन वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाई जंप्स ऑफ सुरेश एंड महेश. अब हमें ये बताना है कि सुरेश और महेश के हाई जंप में कितना डिफरेंस है. ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि महेश ने कितना जंप किया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सुरेश ने एग्जैक्टली कितना जंप किया. यहाँ जो हमें दिया है 5 सेंटीमीटर लेस, वो हमें हिरेन के कंपैरिजन में बताया कि हिरेन के कंपैरिजन में सुरेश ने 5 सेंटीमीटर लेस जंप किया है, बट एग्जैक्ट कितना किया है वो हमें नहीं पता. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि सुरेश ने एग्जैक्टली कितना हाई जंप किया है. सो द लेंथ ऑफ सुरेश जंप. ठीक है, सुरेश ने कितना जंप किया है, 5 सेंटीमीटर लेस देन हिरेन. हिरेन का जंप कितना लॉन्ग है, कितना हाई है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर्स. ठीक है, आगे हम जीरो लगा देंगे. सो जीरो में से 5 लेस नहीं होगा, तो हमने बोरो कर लिया. ठीक है, इधर कट करके हमने 1 लिख दिया एंड इधर 10. सो 10 माइनस 5 5, 1 माइनस 0 1 एंड 1. ठीक है, तो सुरेश के हाई जंप का लेंथ हमें पता चल गया, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर्स. अब हमें फाइनल आंसर क्या ढूंढना था, द डिफरेंस बिटवीन हाई जंप ऑफ सुरेश एंड महेश. ठीक है, सुरेश और महेश के हाई जंप का डिफरेंस ढूंढना था. सो हमें पता चल गया सुरेश का जंप कितना लॉन्ग है, कितना हाई है, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर हाई जंप किया सुरेश ने. अब लेंथ ऑफ महेश जंप, महेश ने कितना जंप किया, 1 मीटर 9 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस. डिफरेंस यानी कि माइनस. सो हम माइनस कर देंगे. सो 15 माइनस 9 इज़ 6 एंड 1 माइनस 1 0. ठीक है, तो डिफरेंस हमें क्या मिल गया, 6 सेंटीमीटर. तो दोनों के जंप में कितना डिफरेंस है, 6 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन हाई जंप्स of Suresh and Mahesh is 6 centimeters. ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर टू. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. इन द लॉन्ग जंप फॉर गर्ल्स. अब किसके लॉन्ग जंप की बात हो रही है, गर्ल्स के लॉन्ग जंप की बात हो रही है. गोपी हैड द शॉर्टेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर्स 32 सेंटीमीटर्स. गोपी ने कितना जंप किया, शी जंप द शॉर्टेस्ट एंड हाउ मच, 3 मीटर 32 सेंटीमीटर लॉन्ग. मीनू केम सेकेंड. सेकेंड कौन आया, मीनू. शी जम्प्ड 12 सेंटीमीटर्स मोर देन गोपी. मीनू ने 12 सेंटीमीटर्स ज़्यादा जंप किया गोपी के कंपेरिजन में. नीलू जम्प्ड द लॉन्गेस्ट. नीलू ने सबसे लॉन्गेस्ट जम्प किया. शी जम्प्ड 13 सेंटीमीटर्स मोर देन मीनू. ठीक है, उसने क्या किया कि उसने जो सेकेंड आया मीनू से 13 सेंटीमीटर्स ज़्यादा लॉन्ग जम्प किया. देन वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जम्प ऑफ नीलू एंड गोपी. अब हमें यह बताना है कि नीलू और गोपी के जंप में कितना डिफरेंस है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मीनू ने कितना जंप किया, नीलू ने कितना जंप किया. यहाँ जो हमें दिया है वो हमें सिर्फ इतना बताया है कि कितना ज़्यादा जंप किया है, नॉट द एग्जैक्ट मेजरमेंट.
तो फाइंड आउट करते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि मीनू ने कितना जंप किया. सो मीनू जंप्ड 12 सेंटीमीटर्स मोर देन गोपी. गोपी ने कितना जंप किया? गोपी ने जंप किया 3 meters 32 centimeters प्लस मीनू जंप 12 सेंटीमीटर्स मोर. तो हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर्स ऐड कर देंगे. सो नाउ 12, 2 plus 2 4, 3 plus 1 4 and 3 3. सो मीनू जंप 3 meters 44 centimeters. ठीक है, मीनू ने 3 meters 44 centimeters लॉन्ग जंप किया. नाउ वी विल फाइंड कि नीलू ने कितना लॉन्ग जंप किया. ठीक है, सो नीलू ने कितना जंप किया? नीलू जंप्ड 13 centimeters मोर देन मीनू, यानी उसने मीनू से 13 centimeters ज़्यादा जंप किया. सो मीनू ने कितना जंप किया? 3 meters 44 centimeters. तो हम पहले लिख देंगे 3 meters 44 centimeters. नाउ शी जंप 13 centimeters मोर देन मीनू. तो हम क्या करेंगे, 13 centimeters ऐड कर देंगे. सो हम यहाँ 13 ऐड करेंगे, 4 plus 3 7, 4 plus 1 5 3 3. सो नीलू जम्ड 3 meters 57 centimeters. नाउ हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस कि नीलू और गोपी के जंप में कितना डिफरेंस है. तो सबसे पहले नीलू का सबसे लॉन्गेस्ट जंप था, तो नीलू ने कितना जंप किया? 3 meters 57 centimeters. तो हम पहले लिख देंगे कि 3 meters 57 centimeters नीलू ने जंप किया. देन हम माइनस कर देंगे गोपी का. ठीक है, गोपी ने कितना जंप किया? 3 meters 32 centimeters. तो हम माइनस कर देंगे 3 meters 32 centimeters. ओके, तो 7 minus 2 5 5 minus 3 2 and 3 minus 3 0. इट मीन्स नीलू और गोपी के जंप में कितना डिफरेंस है? 25 centimeters का डिफरेंस है. सो आवर आंसर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप ऑफ नीलू एंड गोपी इज़ 25 centimeters. ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो अच्छे से देखना है और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है. ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.